91 रनों पर 10 विकेटें खो दी हमने लास्ट में 90 पर 0 से, और किसके खिलाफ? मतलब यार वेस्ट इंडीज, ये वो है ना शायद जो अभी वर्ल्ड कप ओडीआई के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, निराशा आप देख सकते हैं, देखिए निराश हताश यहाँ पर हम सब बैठे हुए। वेस्ट इंडीज ये नहीं कह रहा होगा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में इंडिया से भी मैच करा देते। मैं बताऊं ये मजाक हो गया बस, जो भी है मुझे तो एक्चुअली आई कांट बिलीव मैं जिंदा हूं यार, मुझे पिंच भी आराम से यार जो हो रहा है, मतलब आई स्टिल कांट बिलीव कि ये सब हो रहा है, और ये कहां पे हो रहा है? वेस्ट इंडीज में। ओ नीरज सीरीज है और क्यों खेलने जा रहे हैं, वो टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं की है। या तो वेस्ट इंडीज से सवाल पूछो कि भाई आप वर्ल्ड कप क्वालिफाई कैसे नहीं किए, या फिर इंडिया से पूछो कि आप किस मुंह से वर्ल्ड कप खेलने जाओगे। हेलो गाइस वेलकम टू एनी अदर वीडियो। जैसे आप शुरू में देखा विक्रांत गुप्ता बहुत ज़्यादा दुखी थे, मतलब बहुत ज़्यादा नाराज थे इंडियन क्रिकेट टीम से, जो होना भी चाहिए था क्योंकि वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो वर्ल्ड कप भी क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, आप इतनी बुरी तरह हारोगे। एक तो 81 रन का आपने पहले टारगेट दिया और वो भी उन्होंने इतने आसान से ट्रेड कर दिया। विक्रांत गुप्ता और इंडियन ट्रॉफी दोनों बहुत ज़्यादा नाराज थे, दो टीम वर्ल्ड कप भी खेलने के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, आप उनसे जाके इतनी बुरी तरह हारोगे तो ट्रॉफी तो होता होंगे, ट्रॉफी का होता होना बनता है। हम लोग सोचते हैं कि आज सीख गए हैं, जैसे आप बोल रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, सबसे बड़ा पॉजिटिव की रियलिटी चेक आपको होपफुली मिल गया होगा। ऐसे रियलिटी चेक जो है ना बहुत बाउंस हो गए, वो चेक इतने बाउंस हो गए, मिलते हैं उसके बाद वो सर आज देखो रियलिटी में तब्दील नहीं हुए। ये होगा ऑस्ट्रेलिया का फाइनल वनडे, आप देख रहे बंदा बन जाएंगे सर ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, बंदे ना बने ना अगले मैच में तो आप देख लेना, तो अगला वेस्ट इंडीज के साथ ही, अगला वेस्ट इंडीज के साथ ही, वहां चाहे जो भी बन जाओ, सुपर मैन बन जाओ, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं सर, आपको बंदा नहीं बनना है, आपको टीम बनना है, यू हैव टू प्ले लाइक अ टीम, इट इज द टीम दैट नॉट मी बंदा। यार 3 वनडे मैचेस होने हैं, उसके लिए आपने 17 प्लेयर चुन लिए थे, अब प्रेशर तो होगा टीम मैनेजमेंट पे, इसको भी खिला दो उसको भी खिला दो उसको भी खिला दो, क्योंकि अभी देखो जैसे संजू सैमसन का हम सब ने ट्वीट किया, सारी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, नहीं खेलो नहीं खेले, आज वो खेल गए, अब कल हल्ला होगा ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं खेल रहे, ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं खेल रहे, अब उनको भी खिला दोगे। तो पॉइंट इज आपको 11 खिलाने हैं बॉस, 11 ही खिलाओ, दो बार फेलियर है भाई इसी स्कोर पर, 5 विकेट पहले भी के साथ आप वर्ल्ड कप जीतोगे, इनकी परफॉर्मेंस ही साफ देखो आपको, और पहले बोला था ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लगातार आपके एक्सपेरिमेंट वहां पर फेल होते हैं जी, तो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो आप हमेशा फेल होते हो। वेस्ट इंडीज की आपको तारीफ करनी चाहिए कि भाई उन्होंने इंटेंट दिखाया, बेहतरीन उन्होंने फील्डिंग करी, ईशान किशन आपके वहां पर 50 करी वहां पर, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप रन करते हो तो लंबे रन करो आप, चाहे ईशान किशन हो चाहे आपके वहां पर फिर गिल हो वहां पर, क्योंकि हार्दिक पांड्या खेली नहीं जा रही उनसे, अक्षर पटेल को आप वहां पर समझ लो कि आपने यूवी पाजी बना दिया, तो आपके पैथेटिक डिसीजन है वहां पर, समझ में नहीं आ रहा कि आपकी टीम क्या कर रही है। आकाश भाई जी भाई मैं इनकी हालत खराब है, नहीं ये कब खेलेंगे फिर, अगर आपके रोहित और विराट ने ही जिंदगी भर खेलना है तो मैं कह रहा हूं ये कब खेलेंगे। वेस्ट इंडीज की टीम जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है वो आपके सामने माइटी ऑस्ट्रेलियंस लग रहे हैं भाई, छोटी बॉल पे आपका आउट कर रहे हैं, मतलब ये आपने पर्थ बना दिया है, ये आपने गैबा बना दिया है, इस तरीके के आपके डिसमिसल। संजू सैमसन को भी मौका मिला भाई आज, संजू सैमसन भी भाई रिस्ट स्पिनर था, शेन वॉन के अगेंस्ट आउट हो गए वहां पर, स्लिप में वहां पर आउट हो गए, शुभमन गिल ने ठान लिया कि भाई अब 30-34 हमने मैंने न्यूजीलैंड श्रीलंका कर दिए हैं तो 30-34 मैं करके आउट हो जाऊंगा, एक ईशान किशन के एक थोड़े आप कह सकते हो उन्होंने सिक्योर कर लिया है, 250 आ गए सेट हो गए थे वो बड़े आप कह सकते हो डिसअपॉइंटेड होंगे, बड़ा स्कोर करना था, लेकिन भाई कभी ना कभी तो आप भी टेस्ट हो गए, अब आपको मौका मिला, मैं कह रहा हूं कि इस मौके को तो बनाने वाली बात है, अब वन ऑफ की बात नहीं होगी, यहां पर पूरा 50 ओवर का गेम है, ऐसे नहीं कि आपके पास समय नहीं होता, आप समय लेकर रन स्कोर करिए यार। अक्षर पटेल वहां पर, आप अक्षर पटेल को वहां पर मिडल ऑर्डर, ये वर्ल्ड कप की स्कीम जो आप कह रहे थे ना एक्सपेरिमेंट करोगे कि वर्ल्ड कप में सोचा होगा अक्षर को मिडल ऑर्डर में भी ला देंगे, एक लेफ्टी वहां हो जाएगा भाई, किस बात का एक्सपेरिमेंट, ये आपका एक्सपेरिमेंट है क्या, ये जो प्रिंस गिल 34 रन बनाएगा ये आपको वर्ल्ड कप जिताएगा, यहां पर आपकी जो वेस्ट इंडीज है इनके अगेंस्ट आपसे रन नहीं बन पा रहे, जो नीदरलैंड जिम्बाब्वे इन्हें एक तरफा मार रही थी इन्हें आपसे आप देर हो रहे, आप किस बात के, ये आईपीएल के सितारे, इसलिए मैं बोलता हूं कि आपके विराट कोहली का खेलना बहुत जरूरी इस टीम के लिए, हार्दिक पांड्या अपनी मनमर्जी करना है, वो एटीट्यूड में आता बंदा उसे लगता है कि मैं ही बोस हूं, कब बैटिंग करी थी आखिरी बार, कब बैटिंग करी थी आखिरी बार उसने, मतलब भाई जेन्युइनली जिसको मौके मिल रहे हैं ना ये आपको नहीं मिलेगा, रोहित विराट नहीं खेलेंगे तो आपको मौके वैसे नहीं मिलेंगे, इन मौके पे दिखाओ तो
क्या दिखाया आपको भाई? ने भी भाई बस श्रीलंका और वेस्ट इंडीज उनको न्यूजीलैंड को मारने कह रहा हूँ। ये सपाटा पिच के प्लेयर है, इनके बस की खेलना नहीं है। चाहे आपकी गिल हो चाहे संजू, आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है संजू का भी एक ही मैच हुआ, लेकिन गिल को मेरा मानना है 34 नहीं, जो आपकी क्वालिटी है वहां पर तगड़ा करो। 90 पर 0, 113 पर आपकी 5 विकेटें यहां पर गिर गई। ये कितना पैथेटिक आपकी परफॉर्मेंस है, इसलिए मैं आलोचना कर रहा था। क्यों? ये आपका एक्सपेरिमेंट का मौका नहीं होता आकाश भाई। वर्ल्ड कप से 10 मैच पहले आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट करना था आपको श्रीलंका के खिलाफ करते, न्यूजीलैंड के खिलाफ करते। आप क्या कर रहे हो, 10 मैच पहले आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आप पाकिस्तान खिलाफ एक्सपेरिमेंट करके उतरोगे यहां पर? ये अक्षर पटेल भाई चार पर आ गए, आप आपके क्या करा इन्होंने चार पर? कुछ भी नहीं करा आपने। सूर्य कुमार यादव कुछ इस पोजीशन के लिए रखा है, आपने बचाने की कोशिश करी आज, ये एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं किया आपने। अक्षर को बीच में भेज दिया, सूर्य कुमार यादव को उस पोजीशन पर टेस्ट करते ना आप। अभी बचा रखा, अभी बैटिंग देखनी बाकी है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि भाई क्या तर्क है क्या नहीं है। लेकिन जो मौके मिले हैं भाई उस पे तो देखिए क्रिटिसिज्म होगा। तो इंडियन टीम है वो हार गई है, किससे हार गई है? वेस्ट इंडीज से। शायद आप इस दौरे को अगर उठाएं जब इंडियन टीम का नाम आया था, ओडीआई साइड का नाम आया था, और तब आपको पता चला हो कि एक वेस्ट इंडियन साइड है जो ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, नीदरलैंड से हार चुका है। मतलब वहां से हार के, हर किसी टीम से हार के घर आ चुका है। और आज अगर आप ये सुने कि वेस्ट इंडीज सेकेंड ओडीआई 6 विकेट से जीत गया है, वो भी तब जब हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हो, वो हार्दिक पांड्या जिन्होंने कहा था कि भाई इंडिया की तो ऐसी टीम है कि 2-3 टीमें अगर हम बना दे तो हम किसी से भी टूर्नामेंट खेल ले, कहीं भी चले जाए और जीत जाए। तो वो हार्दिक पांड्या जो खुद ही कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने रोहित और विराट को रेस्ट दिया और 6 विकेट की करारी। और किससे हारे मनोज? शे होप और किसी काटी। मतलब किसी काटी कौन है? वही मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी चीज है कि भाई आप बोलोगे किसी काटी कौन है, ये कौन है, क्योंकि लोग ऑब्वियसली एक तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट को फॉलो भी नहीं करते। मैं तो ये कह रहा हूँ आज ये सीरीज 1-1 पर खड़ी है, हो सकता है तीसरे मैच में रोहित भी आए, विराट भी आए वापस। हालांकि मेरा अभी भी यही मानना है कि रोहित विराट नहीं खेले, मुझे उससे बहुत ज्यादा वो नहीं था कि यार वो खेलने ही खेलने चाहिए थे। बट देन वर्ल्ड कप की तैयारी में किसी मैच में अगर रोहित विराट आउट भी हो जाते हैं तो आप ऐसे आउट हो जाओगे? आप वेस्ट इंडीज ने भी तो बाद में बैटिंग करी है, उनकी भी विकेटें गिरी है ना। शे होप का चलो जाए, हम जितना ही बोल देते हैं यार कि उनका स्ट्राइक रेट स्लो रहता है, बट वो रन बनाते हैं जो भी करते हैं, उन्होंने दिखाया तो एक कैरेक्टर तो दिखाया।